देश के अलग अलग हिस्सों में ईसाई समुदाय के लोगों पर लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार को विरोध प्रदर्शन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। जनचौक संवाददाता पूनम मसीह ने कार्यक्रम का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। अच्छा, प्रोटेस्ट का सबसे मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव है जो ईसाई समाज पर जो उत्पीड़न हो रहा है उसको हम रोकना चाहते हैं, क्योंकि संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हर किसी को अपने धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार है, और यहाँ पर संविधान का उल्लंघन हो रहा है जो कि आज तक 70 साल से ऊपर हो गए हैं। कभी किसी सरकार ने, इतनी सरकारें आई इतनी गई, पर कभी किसी ने संविधान का उल्लंघन नहीं किया। पर अब इस सरकार के आने के बाद संविधान का उल्लंघन हो रहा है, नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, जैसे एंटी कन्वर्जन लॉ लाया गया है, 3/5 एक कानून बनाया गया जिसके तहत यदि हमने किसी को अपना अपने धर्म के बारे में प्रचार भी किया तो वो भी हमारा एक सिन है, वो हमने गुनाह किया है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर एक झारखंड में है, झारखंड में बोला जाता है एंटी कन्वर्जन लॉ जो है वो झारखंड में इस जो आदिवासी बड़ी संख्या में ईसाई है वहाँ पर, छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ में लोगों को बहुत प्रताड़ित किया गया है। इसको बिल्कुल झारखंड को और आदिवासी ट्राइबल एरिया को ज्यादा ये लोग वो कर रहे हैं, जबकि वो लोग साफ कहते हैं कि हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं। इतना कहने के बाद भी इन लोगों के पास आज तक एक भी प्रूफ नहीं है जिसको ये शो कर सके कि इनका कन्वर्जन हुआ है। कितने लोग आए यहाँ पर? ऐसे मैं गिनती नहीं कर सकती, पर हाँ अच्छा खासा हुजूम यहाँ पर है। पास्टर जय प्रकाश, यूपी से आप आए? हाँ जी, मैं इलाहाबाद से, प्रयागराज, और चर्च का नाम यीशु दरबार। इस वक्त यूपी में सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, पिछले साल फारूक नगर में ईस्टर के टाइम में लोगों को गिरफ्तार किया जी। इलाहाबाद की स्थिति कैसी है? इलाहाबाद की स्थिति मैडम यह है कि इलाहाबाद में यीशु दरबार जो चर्च है उसी का संचालन स्वार्थ यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो 113 साल पुरानी है, और डॉक्टर यूसफ आर बी लाल इसका संचालन करते हैं। उनके ऊपर ये दबाव आता है कि आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चलाइए लेकिन यीशु दरबार को बंद कर दीजिए, यहाँ से आप हमारे काफ़ी हिंदुओं को मसीह में लेकर ईसाई बना रहे हैं, धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है। इस कारण यीशु दरबार के ऊपर अटैक होता है, झूठी झूठी अफवाहें दर्ज होती हैं। एक बड़ा आरोप है ये चर्च पर, हमेशा लगता है लोगों को पैसे देके कन्वर्ट। हाँ, ये बड़ा आरोप है, और आरोप क्या है कि स्वार्थ यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चे आते हैं वो सबके सब बहुत कम है जो मसीह में है, और ज़्यादा लोग जो हैं वो हिंदू है, मुसलमान है, अन्य जाति और धर्मों से हैं। तो अगर ऐसा होता तो 113 साल से यूनिवर्सिटी चल रही है और वाइस चांसलर साहब उनको ईसाई बना चुके होते अभी तक। ऐसे किस तरह से लोगों को टारगेट किया जा रहा है? टारगेट सबसे पहले वो FIR दर्ज कराते अन्य लोगों के खिलाफ जिसमें किसी का नाम दर्ज नहीं होता, और आकर वहाँ से किसी को भी उठा लिया जाता है, खासतौर से वाइस चांसलर साहब, उनका परिवार, उनके भाइयों को, उनकी पत्नी को, उनके बेटे, उनकी बहू को, उनके नाती पोतों को भी भागना पड़ता है वहाँ से, इतना बुरा हाल है। तो एक फैमिली है, पूरी फैमिली आई हुई है इस प्रोटेस्ट में, उन्हीं से बात करेंगे। प्रोटेस्ट जो हो रहा है इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में अभी ईसाइयों पे अत्याचार हो रहा है, लगातार छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है, यूपी की भी अभी पिछले दिनों खबर आई थी, और खुद जो ईसाई मिशनरी उनकी रिपोर्टें लगभग 200 से ज्यादा FIR एक साल में हुई है, कैसे देखते हैं इसको? मैं इसको बिल्कुल वैसे देखता हूँ जैसे कि हमारे भारत में हो चुका है पहले भी, जब हम लोगों ने, पूरे भारत ने मिलकर ब्रिटिश राज्य के लिए कोई मोर्चा निकाला था। हम किसी समुदाय के लिए मोर्चा नहीं निकालना चाहते, हम केवल इस बात को बताते यदि संविधान कहता है कि आप अपने धर्म के उल्लेख को खुलकर कर सकते हैं तो फिर अलग अलग प्रांतों के लोग कौन होते जो संविधान के खिलाफ जाएंगे। अगर अच्छा एक और देखिए, जैसे अभी रेगुलरली हिंदू राष्ट्र की मांग बहुत हो रही, धर्म संसद भी किए जा रहे हैं, क्रिश्चियंस और मुस्लिम को लगातार टारगेट किया जा रहा है,
क्या अल्पसंख्यकों के लिए रहना मुश्किल होता जा रहा है? बहुत मुश्किल होता है, कई बार लोगों का उठना बैठना भी बंद हो जाता है। अगर हम दिल्ली छोड़ के या किसी ऐसे महानगर को छोड़ के गाँव कस्बे में जाए तो उनका उठना बैठना भी बंद है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेजोरिटी जिस नंबर के हिसाब से बढ़ रही है वो उसको देखना पसंद करती है। हिंदू